गवर्नमेंट संजय मल्होत्रा जी को और अपॉइंट कर रही है आईआईटी कानपुर के, यहीं से इंजीनियरिंग किए हुए हैं और अच्छे मेधावी ऑफिसर हैं और काफ़ी बोर्ड ने इनको सिलेक्शन किया है और ये 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस हैं और ये बाहर संभालेंगे और फाइनेंस के अंदर जो भी त्रुटियां रही हैं या जो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है उस पर ज़रूर आशा है वो ध्यान देंगे। और मैं एज ए रिटायर्ड पर्सन उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा, क्योंकि अब पेंशन भी नहीं है, हम रिटायर्ड हैं तो कोई रेगुलर इनकम सोर्स नहीं है और शेयर मार्केट जो है उनको पता है बहुत हैवी टैक्सेस हैं, ब्रोकरेज है और एक्सचेंज टैक्सेस हैं, तो हम चाहते हैं कि जो शेयर ट्रांजैक्शन टैक्स है, अगर हम 1,00,000 के कैपिटल से डेली और फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं और 1,00,000 का कैपिटल मान लीजिए शाम को हमें 5,00,000 का नुकसान हो गया और 95,000 रह गए, तब भी जो हमने दिन में जो ट्रांजैक्शंस किए उस 1,00,000 रुपये को ऑप्शंस ट्रेडिंग में रोटेट कर करके मान लो 10-20,00,000 का रोटेशन हो गया, उसको बेचा खरीदा ऑप्शंस को और कई बार किया, तो वो 20-30,00,000 का जो हमारा टर्नओवर हो जाता है 1,00,000 रुपये को रोटेट करने से दिन में, उस पर 20,00,000 रुपये पे हमारा जो है और 2,000 के करीब और शेयर ट्रांजैक्शन टैक्स भी लग जाता है जबकि लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट होता है तो देखिए वो फिर हम साल में उसका बाद में अपनी इनकम टैक्स देंगे देंगे प्रॉफिट पे, लेकिन कम से कम लॉसेस पे जो शेयर ट्रांजैक्शन टैक्स है वो ज़रूर हमें विवाह करना चाहिए और गवर्नमेंट को इससे जो ट्रेजरी में कमी आती है उसके दूसरे सोर्सेज जो हैं टैक्स के देखें, ये जो है शेयर ट्रांजैक्शन टैक्स को ज़रूर रिकंसिडर करें, इसको ना लगाएं, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है तभी हमें टैक्स देना है और लॉसेस के ऊपर हमें शेयर ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं देना है, तो ऐसा ज़रूर मल्होत्रा साहब, संजय साहब इसको को विचार ज़रूर करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से शेयर्स वगैरह का कुछ काम करते हैं, मोस्टली लॉसेज ही होते हैं, लेकिन जो शेयर ट्रांजेक्शन का जो हमारे 2,000 के करीब खर्च हो जाता है रोज़ का, 1,000 से 2,000, क्योंकि हम 1,00,000 रुपये के करीब हमारा जो कैपिटल है उसको रोटेट करते रहते हैं, उसको बेचा कुछ प्रॉफिट हुआ तो ले लिया, कुछ लॉस हो गया तो फिर निकालना पड़ता है जल्दी से, तो करते करते एक दिन के अंदर 20-30,00,000 का हमारा ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो 10,00,000 के करीब 1,000 रुपया और शेयर ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, बाकी टैक्सेस तो हैं ही जो एक्सचेंज के हैं और जो ब्रोकरेज के हैं, तो इस पर ज़रूर विचार करें, ये हमको बड़ा पिंच करता है कि 1,000 रुपये हमारा इस बात का 1,000 से 2,000 हमारा जिसमें चला जाता है, तो प्रॉफिट कभी रेयरली होता है और उसमें हमारा शेयर ट्रांजेक्शन टैक्स जा रहा है, तो गवर्नमेंट जो है कुछ और दूसरे तरीके से रेवन्यूज ले, जैसे कैसिनोज वगैरह अलाउ कर दिए जाएँ, तो जितने भी 5-स्टार्स होटल्स हैं और रिजॉर्ट्स हैं उनमें अगर कैसिनो आ जाएं तो कैसिनो की पिक्चर हॉल की तरह जो एंटरटेनमेंट टिकट है, एंट्री टिकट है, उस पर आएगा, गेमिंग के ऊपर आएगा, प्रॉफिट पे आएगा, अपने तरीके से इसमें हम ला सकते हैं और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सब जगह कैसिनोज ये चल रहे हैं, तो इससे हमारे बल्कि टूरिज़्म भी बढ़ेगा, बाहर के लोग भी इंडिया में आएंगे और इंडिया के लोग बाहर भी नहीं जाएंगे और तो अपना फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और इससे हमारा जो टूरिज़्म इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होगी, लोग बाहर से आएंगे, होटलों में ठहरेंगे, फूड है, बाकी चीज़ें, सब चीज़ों में हमें इजाफा होगा, तो शेयर ट्रांजेक्शन टैक्स को हटा के और कैसिनोज के थ्रू और टैक्सेस कलेक्ट किए जाएं, तो इसी तरह से और भी बहुत सारे सजेशन हैं, मल्होत्रा साहब आए हैं तो हम लोग एज सीनियर सिटीजन उनके साथ शेयर करेंगे अपने व्यूज और सजेशन, आशा है वो इस पर विचार करेंगे। मेरा ईमेल आईडी मैं देता हूँ और मेरे पास बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ हैं, तो वो मुझे ज़रूर एक ईमेल लिखें और मुझे व्यूज़ वगैरह, मैं मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं जो मैं उनको सामने पुट अप करूँगा, तो मेरा ईमेल है skjainial@yahoo.co.in। आई रिपीट माई मेल skjainial@yahoo.co.in। तो इसमें प्लीज़ ज़रूर विचार आप करें, आशा है और आप सक्सेसफुली बहुत सारी चीज़ों को ठीक करेंगे, जो नोटबंदी का जो बाकी चीज़ों का जो इश्यूज रहे हैं
जो कि लोगों के पास अभी भी 500 का और 1000 का नोट रह गया है और वो हार्ड एंड मनी है, किसी वजह से किसी ड्रॉअर में रह गया या सीनियर सिटीजन घर में अकेले हैं, वो लाइनों में नहीं लग पाए तो उनके नोट पूरे एक्सचेंज नहीं हो पाए, कुछ रह गए, 2-4-5-10 हज़ार रुपये हमारे रह गए। तो नोट तो आप समझ ही रहे हो, एक उसमें प्रॉमिस है कि भी आई प्रॉमिस टू पे, तो उस चीज़ को विचार में रखते हुए तो कुछ लिमिटेड अमाउंट तो किसी टाइम में भी और उसको हमें एक्सचेंज की करने की परमिशन मिले, ये भी मल्होत्रा साहब जरूर विचार करें, क्योंकि ये भी एक ज्यादती है कि अगर हमारे 2-5 हज़ार रुपये हमारे ड्रॉअर में रह गए और हम उसको एक्सचेंज नहीं करा पाए तो इसको भी ज़रूर विचार करें कि हमें उसका लॉस क्यों हो। और जिनके बहुत ज़्यादा रुपीज़ हैं, बहुत कुछ है, तो वो अपने यदि एक्सचेंज करते हैं अभी भी पुराने नोट और वो उनको प्रॉमिस के तौर पे अगर वो रिटर्न उनसे कराए जाएं तो उनके ऊपर कुछ टैक्सेस लेके 30-40% टैक्स लेके और बाकी उनको भी और EMS रिफंड करने का, एक्सचेंज करने का एक मौका ज़रूर मिले, ताकि सारे के सारे जितने भी नोट्स लोगों के पास रह गए हैं, लाखों करोड़ों जो कि डेली वेज वर्कर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, लाइनों में नहीं लग पाए, बीमार हैं, तो उनके पास 1000, 2000, 5000, 10000 कुछ यदि रुपये रह गए हैं तो इस बारे में भी जरूर विचार करें। तो मेरी ये सजेशन है, इसको जरूर ठीक करें, ये बहुत बड़ा ग्रीवेंस हम लोगों के दिल में रह गया है, तो जरूर उस पर विचार करें। एक अच्छी इंटेंशन से काम किया गया था परंतु कुछ लोगों को और जो है इससे हमें काफ़ी डिफिकल्टीज हुई हैं और लॉस भी हो गया है, तो उसको जरूर विचार किया जाए और ठीक करने की कोशिश की जाए। हम बहुत थैंकफुल होंगे। थैंक यू।